इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स, सबसे पहले हमें देखते हैं कि वेक्टर्स हैं क्या। वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या, जिनको आप मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी दो क्वालिटीज़ हैं। क्या क्वालिटीज़ हैं? उन फिजिकल क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड है, जो कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ का होता है, और इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ एक डायरेक्शनल सेंस भी एसोसिएटेड है। डायरेक्शनल सेंस मतलब इनके अंदर डायरेक्शन भी है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज़ ये एक ऑब्जेक्ट है। अब मैंने कहा कि आप इस ऑब्जेक्ट को पुश करिए, आपने इस ऑब्जेक्ट को पुश किया, से आपने इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से पुश किया। अब मैं आपसे दो चीज़ें पूछ सकता हूँ यहाँ पे, कि हमने कितनी ज़ोर से पुश किया, हाउ हार्डर और स्ट्रॉन्गली वी हैव पुश्ड। मतलब कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेंस की बात हो रही है, कितनी ज़ोर से पुश किया। अब एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, इन विच डायरेक्शन यू हैव पुश्ड। ठीक, तो इसको किस डायरेक्शन में पुश किया, ये पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो आपको पता है कि पुश और पुल को हम किससे समझते हैं? फोर्स। पुश और पुल को क्या कहते हैं? फोर्स। मान लीजिए उसका सिंबल है एफ। तो जो ये फोर्स है, फोर्स कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? फोर्स वेक्टर है। इसमें एक मैग्नीट्यूड है, मतलब इसकी एक वैल्यू है, और इसके साथ एक डायरेक्शनल सेंस एसोसिएटेड है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, सपोज एक पर्सन ए से बी तक चला, और सपोज इसके बीच में डिस्टेंस है 6 मीटर। तो मैंने आपसे पूछा कि डिस्टेंस कितना चला, तो आप कहेंगे 6 मीटर। पर इसके अंदर आप ये चीज़ देख सकते हैं, या पूछा जा सकता है कि वो कहाँ से कहाँ गया, या किधर से किधर गया। तो वो कहाँ से कहाँ गया? ए से बी की तरफ गया। जब हम इसके अंदर एक डायरेक्शनल सेंस एसोसिएट कर देंगे, किसके साथ? इस मैग्नीट्यूड वैल्यू के साथ, तो हम उसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? 6 मीटर फ्रॉम ए टू बी। तो मैग्नीट्यूड के साथ हमने एक डायरेक्शनल सेंस को भी एसोसिएट कर दिया। तो वो सभी क्वांटिटीज जिनके अंदर मैग्नीट्यूड है, जिनकी कुछ वैल्यू है, और साथ में कुछ डायरेक्शनल सेंस भी एसोसिएटेड है, उन सभी क्वांटिटीज़ को हमने क्या नाम रख दिया? वेक्टर्स। पर ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर एक चीज़ और आपको बाद में ध्यान रखनी पड़ेगी, जिसको हम डिस्कस भी बाद में करेंगे। वो क्या है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ सर्टेन रूल्स, उनको भी फॉलो करती हैं, और उसको हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा की फॉर्म में। वेक्टर अलजेब्रा, कुछ रूल्स हैं जिनको ये फिजिकल क्वांटिटीज फॉलो करती हैं। तो वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके अंदर पहली बात मैग्नीट्यूड है, दूसरी बात डायरेक्शनल सेंस भी है, और ये तीसरी बात वो कुछ रूल्स को भी फॉलो करेंगी। वो रूल्स क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करिए कि उनका कुछ मैग्नीट्यूड है और कुछ डायरेक्शन भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें इस डायरेक्शनल सेंस की मैग्नीट्यूड के साथ ज़रूरत क्यों पड़ी? व्हाई वी नीड वेक्टर्स। जैसे वन डायमेंशनल मोशन में और जूनियर क्लासेस के अंदर आपने ये चीज़ पढ़ी है, सपोज जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी है,
सपोज दिस इज द ग्राउंड, आपने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से ऊपर फेंका, या कोई ऑब्जेक्ट है सपोज ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा। अब ये जो मोशन है ये कैसा मोशन है? वन डायमेंशनल मोशन, ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो हमारी यहाँ पे अजम्पशन ये रहती थी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, एक अपवर्ड डायरेक्शन है, जी जो कि एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो हम साइन कन्वेंशंस बनाते थे कि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, या उल्टा भी ले सकते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ईजी चॉइस थी, या जैसे आप ये करते हैं सपोज ये एक एक्स वाई प्लेन है, या इंटीजर लाइन सिस्टम समझ लीजिए, ये एक्स ये वाई। तो जो अप हैं उनको आप क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। जो डाउन थे उनको क्या लिखते हैं? नेगेटिव। जो राइट की तरफ है उनको लिखते हैं पॉजिटिव, और जो लेफ्ट की तरफ है उनको लिखते हैं नेगेटिव। पर सपोज कोई एक सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है? कोई चीज़ ना तो इधर जा रही है, ना इधर, ना अप ना डाउन, एक पार्टिकल यहाँ से ऐसे चला गया, वो पॉइंट ए से बी तक गया। अब क्या लिखेंगे आप इसको? अब आप इसको पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव लिखेंगे? अब लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को प्री डिफाइन कर दिया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? या एक और सिचुएशन है, इससे और कम्प्लेक्स सिचुएशन देखते हैं। सपोज हमारे पास ये अरेंजमेंट है, हमारे पास सपोज ये क्यूबॉइड है, और इस क्यूबॉइड के अंदर सपोज एक रूम अरेंजमेंट है। एक इंसेक्ट यहाँ से उड़ के यहाँ तक गया रूम की स्पेस में। अब आप इसको क्या कहेंगे? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है? क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली मॉस्किटो एक पॉइंट से उड़ के दूसरे पॉइंट पे गया है, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है। बट इस सिचुएशन के साथ एक डायरेक्शनल सेंस भी एसोसिएटेड है। तो आप इस डायरेक्शनल सेंस को लिखेंगे कैसे? तो ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। इस सिचुएशन को ईजी करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? वेक्टर्स की। तो हम वेक्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं? हम ऐसी सिचुएशंस को डील कर रहे हैं कि जहाँ पे हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकें। सो बेसिकली वेक्टर्स पढ़ने का ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स, वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल। ग्राफिकल अप्रोच क्या कहती है? सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये एक ब्लॉक है, ये एक और ब्लॉक, ये किसी सरफेस पे पड़ा है। मैंने आपसे पूछा कि इस पे मैंने फोर्स लगाई F1 और दूसरे ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाई F2। अब आप मुझे बताइए किस ब्लॉक पे फोर्स ज़्यादा लग रही है, ऑन विच ब्लॉक फोर्स इज मोर। तो आप एक कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि जो फोर्स है वो F2 ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि इस एरो की जो लेंथ है वो इस एरो की लेंथ से ज़्यादा है, और ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगी हुई है, मीन्स टुवर्ड्स राइट, इट्स क्लियर। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगी हुई है, बट क्योंकि इस एरो की लेंथ ज़्यादा है इस एरो से, तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स इससे ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि सपोज़ ये कोई एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक एरो से। ये इस वेक्टर की क्या है? टेल। और ये इस वेक्टर का क्या है? हेड। और इस हेड पे ये जो एरो है ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, और इस एरो की जो लेंथ है, लेंथ ये क्या है? मैग्नीट्यूड।
जो लेंथ है ये क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड, और ये एरो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ग्राफिकली हम वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि वेक्टर, जैसे यहाँ तो प्लेन है, यहाँ लेफ्ट से राइट जा रहा है, कई बार वेक्टर सपोज आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो वेक्टर सपोज आपकी तरफ आ रहा है, वेक्टर किधर आ रहा है, आपकी तरफ। तो उस तरह उस समय में हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इस तरह से डॉट लगा देंगे। आप ये मान लीजिए कि एक तीर है, वो आपकी तरफ उड़ता आ रहा है, तो उस तीर को आप कैसे देखेंगे, उस तीर का जो फ्रंट पॉइंट है वो आपको क्या दिखाई देगा, डॉट। तो टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स यू मीन्स परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन इन विच यू आर वॉचिंग राइट राइट नाउ। सपोज वेक्टर आपसे अवे जा रहा है, वेक्टर आपसे क्या जा रहा है, अवे, तो उसको आप कैसे शो करेंगे, क्रॉस से। क्रॉस का मतलब अवे, अवे फ्रॉम यू। तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशंस हैं, बट बेसिकली ग्राफ के अंदर हमको क्या यूज़ करना था कि जो एरो है, एरो की एक लेंथ है उसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे, और ये जो एरो की जिस डायरेक्शन में शो कर रहा है, ये एरो जिस तरफ है ये डायरेक्शन है। दूसरा प्रोसीजर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जनरली आप बुक्स में देखेंगे जो वेक्टर क्वांटिटी है, सपोज वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो उसको अगर हम स्पीड को तो हम इस लेटर से शो करते थे, तो इसको अब हम अगर वेक्टर शो करना चाहें, ये तो स्पीड का फॉर्मेट है, अगर वेक्टर को शो करना चाहें तो आपको बुक के अंदर ये बोल्ड फेस लेटर्स के अंदर दिखाई देगा। अगर कोई क्वांटिटी बोल्ड फेस, बोल्ड लेटर्स की फॉर्म में है तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। या इसको एक और तरीका भी है रिप्रेजेंट करने का, सपोज ये वेलोसिटी है और मैंने कहा ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो मैं क्या करूँगा, इस फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक एरो का निशान बना दूंगा। एरो का मतलब ये डायरेक्शन नहीं है, ये जस्ट शो करने के लिए है कि ये क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। जैसे फोर्स, उसके ऊपर एरो लगा दें, एक्सलेशन, एक्सलेशन के ऊपर एरो लगा दें, मोमेंटम, मोमेंटम के ऊपर एरो लगा दें। तो जिन सिंबल्स के ऊपर, और वो सिंबल्स कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जिन सिंबल्स के ऊपर आपको एरो दिखाई दें उनका मतलब आप समझिए कि वो क्या, कैसी कैसी क्वांटिटीज़ हैं, वो वेक्टर्स हैं। पर मैंने अभी ये कहा है कि हर वेक्टर के अंदर दो चीज़ें हैं, क्या क्या हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शनल सेंस मतलब डायरेक्शन भी है। अब सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर वी है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आपको पता है कि स्पीड, जहाँ पे डायरेक्शनल सेंस की हम बात नहीं करेंगे, मतलब स्पीड, कोई चीज़ कितनी तेज़ चल रही है, और साथ में हम ये कह सकते हैं कि किस डायरेक्शन में वो चीज़ जा रही है, तो वो डायरेक्शनल सेंस है। तो अगर सिर्फ हम इसी की बात करते हैं कि कोई चीज़ कितनी तेज़ चल रही है, मतलब वी आर कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होगी उसको हम ऐसे लिखेंगे वी, और ये कैप, इसको लिखेंगे कैप, कई जगह लिखा हुआ है रूफ, वी रूफ या वी कैप। अब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड, ये है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हमने नाम रख दिया कि ये एक तरह से डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन है, और इसको हम कहेंगे कि ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होगा, वन। इस यूनिट वेक्टर का, इसको यूनिट इसलिए कहा क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वन। और जो ये वी है, वी जिसको हमने स्पीड कहा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। तो अगर किसी भी चीज़ के ऊपर, इसको कहते हैं मॉडुलस, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं तो हम कहते हैं कि हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये मैग्नीट्यूड है, तो इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड वन है, बट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब सपोज आपके पास यही वी वेक्टर है और मैं आपसे पूछूं कि वी वेक्टर की डायरेक्शन बताइए, तो आप क्या करेंगे, वी वेक्टर मतलब वी रूफ, वो किसके बराबर होगा, वी वेक्टर, और वी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। इट्स सो सिंपल। ध्यान से देखें इसको, हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर में दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, हम इस वेक्टर का मॉडुलस लेंगे, ये मैग्नीट्यूड है, और साथ में एक डायरेक्शनल सेंस है, वो डायरेक्शनल सेंस इसके साथ है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं वी कैप से, एक तरह का यूनिट वेक्टर है ये, ठीक है। इनकी और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अभी हम धीरे इस चीज़ पे भी आएंगे, अभी सिर्फ हम इस बारे में इंटरेस्टेड हैं कि वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसी है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इस चीज़ के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ द सिचुएशन। सपोज अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ये, ए से बी, एक पार्टिकल ए से बी गया, ए से बी की तरफ गया। अब जब पार्टिकल ए से बी की तरफ गया, कितना गया, 6 मीटर। तो सपोज ये जो ए से बी की तरफ मूवमेंट है, ये एक्स एक्सिस की तरफ है या एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो मैं ये कहूँगा कि 6 मीटर किधर से किधर मूव किया, ए से बी, या मैं कहूँगा 6 मीटर मूव किया एक्स एक्सिस के अलोंग। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो डायरेक्शंस हैं, जो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन होगी, उसको हम लिखेंगे आई कैप। तो मैं लिखूँगा द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 6 आई कैप। सो आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शनल सेंस, मतलब डायरेक्शन, मतलब जो पार्टिकल ए से बी गया है कितना चला, वो मैग्नीट्यूड है 6 मीटर, किधर गया वो क्या है, आई कैप। आई कैप का मतलब ही यही है कि ये क्या रिप्रेजेंटेशन है, एक्स एक्सिस की। तो यहीं से अब हम कुछ डेफिनेशंस बिल्ट अप करेंगे वेक्टर्स के बारे में, जो हमको वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने में और समझने में और ज़्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम इसी को ही पढ़ लें, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, अभी मैंने आपको बताया है, यूनिट वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सपोज ये एक यूनिट वेक्टर है, अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और ये वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आ रहा है। इसको और डिटेल में पढ़ें, सपोज हमारे पास ये एक्स वाई जेड प्लेन है, सॉरी एक्स वाई जेड सिचुएशन है, दिस इज एक्स वाई जेड। अब जो डायरेक्शंस एक्स एक्सिस के अलोंग है, या एक्स एक्सिस के अलोंग या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप, और जेड के अलोंग के कैप। तो सपोज मैंने आपको कहा कि मैं ओ से, ओ पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं चला 6 के कैप, मेरी डिस्प्लेसमेंट 6 के कैप है। तो अब आप के कैप को देख के ये समझ जाएंगे कि मेरी जो मूवमेंट है, मेरी मूवमेंट किस डायरेक्शन के अलोंग हुई, जेड एक्सिस के अलोंग हुई, क्योंकि के कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ये आई कैप, जे कैप और के कैप है, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलोंग पर्टिकुलर एक्सिस। तो इनको
कई बार बेस वेक्टर्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? बेस वेक्टर्स. सो इट्स वेरी सिंपल कि हमको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है किसके साथ, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है. तो इसी तरह से हम बाकी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ भी डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. सपोज कोई एक कार, कोई एक कार है और वो कार इस एक्स वाई प्लेन के अंदर चल रही है. अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक ही डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, हम दूसरी डायरेक्शंस की भी बात करेंगे. सपोज दिस कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 2 meter per second. मैंने क्या कहा? स्पीड. अगर मैं आपसे कहूँ वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार, सो यू विल राइट 2 i cap meter per second. क्लियर? या मेरे पास एक ब्लॉक है, हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई. सपोज मेरे पास ये सिचुएशन है, एक्स वाई प्लेन है, और जो ये फोर्स लगाई, सपोज मैंने कितनी फोर्स लगाई, 5 newton. तो ये तो मैंने अभी क्या लिखा है, ये रिप्रेजेंटेशन क्या शो कर रही है कि मैंने आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताया है. यहाँ रिप्रेजेंटेशन मैग्नीट्यूड की है. अगर मैं आपसे फोर्स वेक्टर के बारे में बात करूँ या आपको फोर्स वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो, तो आप लिखेंगे 5 i cap newton. आई कैप बाय डिफॉल्ट आपको बता रहा है इस नॉलेज से कि जो फोर्स है वो किधर लगी है, एक्स एक्सिस के अलोंग लगी है. अब थोड़ा सा मैं आपको इलेबोरेट भी करके बता रहा हूँ, जिसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, वहीं समझ आएगा. सपोज इसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऐसे लगा हो, ऐसे, तो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऐसे लगा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, इसके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इधर भी मूव करने की, इधर भी मूव करने की. अब ये इधर क्यों मूव करेगा? क्योंकि इस फोर्स का कुछ इफेक्ट इधर भी आ सकता है, इस फोर्स का कुछ इफेक्ट इधर भी आ सकता है. तो इसका फोर्स का कुछ हिस्सा आई के अलोंग होगा, इस फोर्स का कुछ हिस्सा वाई के अलोंग होगा, इसी तरह जेड के अलोंग भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है. हम इसको ज़्यादा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे क्या शो कर रहा हूँ मैं कि कुछ फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग लगी है, जे कैप क्या शो कर रहा है, वाई, और आई कैप क्या शो कर रहा है, एक्स. अब यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस आएगा, ये सब आपको बाद में बताएंगे. फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ प्लस ही आएगा, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो हमारा बेसिक डिस्कशन पूरा हुआ यूनिट वेक्टर का, कि यूनिट वेक्टर को इस तरह से शो करते हैं. दूसरा वेक्टर है नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर. कई बार हमारे पास वेक्टर्स एलजेब्रा को करते हुए, वेक्टर्स को पढ़ते हुए, ऐसी सिचुएशंस भी आ जाएंगी जहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा, और हम डायरेक्शन के बारे में सर्टेन नहीं होंगे, या हम डायरेक्शन के बारे में वहाँ कुछ बात नहीं कर पाएंगे. मीन्स इट इज़ आर्बिट्रेरी. सो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम रिप्रेजेंट करेंगे ज़ीरो वेक्टर से. तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें, एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी है एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर, तो आई कैप जे कैप, के कैप, वैसे तीनों वेक्टर्स मिलके आई जे एन के, इन वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी कहते हैं. और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1. इसी तरह इन सब का मैग्नीट्यूड भी क्या है, 1. क्लियर? तो दो डेफिनेशंस हमने कर ली, दो या आप कहें 3 यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स एंड ज़ीरो वेक्टर. अब कुछ वेक्टर्स और भी हैं जिनके बारे हम पढ़ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. कई बार आपको लिखा हुआ दिखाई देगा इक्वल वेक्टर्स. क्या लिखा दिखाई देगा? इक्वल वेक्टर्स. अब इक्वल वेक्टर से हमारा क्या मतलब है?
इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन ये कहती है कि कोई दो वेक्टर्स हैं, लेट दिस इज वेक्टर ए एंड वी हैव अनदर वेक्टर बी, अनदर वेक्टर बी। तो अगर मैं ये कहूँ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल हैं, क्या हैं, इक्वल, दे आर इक्वल, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इक्वल है, एंड दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो ऐसी सिचुएशंस को हम क्या कहेंगे, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स। अब यहीं से हम एक चीज़ और भी कह सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, अनइक्वल वेक्टर्स। व्हाट आर अनइक्वल वेक्टर्स? तो अनइक्वल वेक्टर्स की दो तरह से रिप्रेजेंटेशन है। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई भी चीज़ अनइक्वल हो तो वेक्टर अनइक्वल है। तो ये ए और बी जो वेक्टर्स हैं ये अनइक्वल वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम है। या ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए किसी सिचुएशन को, मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, तो भी ये क्या कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर्स। अब यहीं से एक सिचुएशन और बन जाएगी। अब इस वेक्टर और इस वेक्टर के अंदर आप देखें, ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम ये कहेंगे कि ये कैसे वेक्टर्स हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं कि जैसे जैसे आप वेक्टर्स के अंदर आगे प्रोसीड करेंगे, आपको पहले इन एडवांस हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको वो सिचुएशन और ज़्यादा क्लियर हो। इन वेक्टर्स को आप क्या कह सकते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। सो ए एंड बी हेयर दे आर पैरेलल, हेयर दे आर एंटी पैरेलल। या इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या समझ सकते हैं, उसके लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी। अगर आपको कहीं ये लिखा दिखाई दे जाए, या आगे लिखा दिखाई देगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी पड़ेगी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। याद रखें, अगर आपको किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल के बारे में बात करनी है या एंगल की रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो इट्स क्लियर दैट आइदर द एंगल इज़ टू बी टेकन बिटवीन टेल टेल और बिटवीन हेड हेड। कभी भी ये ठीक है, कभी भी आप एंगल ऐसे नहीं लेंगे, नो दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। सो दीज टू आर राइट रिप्रेजेंटेशंस, आइदर द एंगल इज बिटवीन टेल टेल और द एंगल इज बिटवीन हेड हेड। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो जब हम कह रहे हैं पैरेलल वेक्टर्स, इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है, और यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो क्या है, 180 डिग्री है। क्लियर? तो पैरेलल और एंटी पैरेलल आपको काफ़ी हद तक यहाँ से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी है, टर्म है कोलीनियर वेक्टर्स, कोलीनियर वेक्टर्स। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है आपको समझाने के लिए, धीरे धीरे जैसे जैसे आप चैप्टर में प्रोसीड करेंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे तो टर्म्स आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी हम सिर्फ आपको एक तरह का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ दे रहे हैं। कोलीनियर वेक्टर्स क्या हैं? सो व्हेन वी हैव सर्टेन वेक्टर्स एंड दे शेयर द सेम सपोर्ट पॉइंट, सेम सपोर्ट और हैव अ कॉमन सपोर्ट, देन दे आर कंसिडर्ड टू बी एज अ कोलीनियर वेक्टर्स। सो सपोज ये एक पॉइंट है, इसके पास ये एक, ये इस पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक। सो दे आर शेयरिंग द सेम सपोर्ट और हैव अ कॉमन सपोर्ट। सो दिस इज, यू कैन से दिस इज अ कोलीनियर
कोलिनियर वेक्टर्स, सॉरी नो, को इनिशियल, को इनिशियल, को इनिशियल, द कॉमन इनिशियल पॉइंट. सो देयर टेल्स आर एट अ कॉमन पॉइंट, सो दीज आर को इनिशियल. कोलिनियर मीन्स दे आर शेयरिंग सम इक्वल सपोर्ट, दे हैव सम अ कॉमन सपोर्ट, दे हैव सर्टेन अ कॉमन सपोर्ट, सो दे आर एक्टिंग अलोंग दिस लाइन, दिस कॉमन टू दिस लाइन, सो दिस इज कोलिनियर. नाउ नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट सिचुएशन वी हैव ऑफ पोलर वैक्टर्स, पोलर वैक्टर्स, पोलर वैक्टर्स. पोलर वैक्टर्स से हमारा मतलब ये है कि दे हैव सर्टेन स्टार्टिंग पॉइंट और द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दे हैव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी क्योंकि जो हमारा स्टडी डोमेन है उसमें बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी. सपोज़ ये एक ऑब्जेक्ट है और मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई और फोर्स को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो ये पॉइंट है, यहाँ ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, फोर्स यहाँ लगी, तो जिस वेक्टर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हम उसको कहेंगे कि ये कैसा वेक्टर है, एक पोलर वेक्टर है. या जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, मैंने ए से बी की तरफ डिस्प्लेस किया तो इसका कोई एक पॉइंट है, सो इसको जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, एक तरह का पोलर वेक्टर है. फोर्स वेक्टर जो है वो एक तरह का पोलर वेक्टर है. एक और तरह का वेक्टर है एक्सियल वेक्टर. कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर. इसको आप थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन है कि अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है, सपोज़ ये एक स्फीयर है, ये स्फीयर अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसके अंदर इस सिचुएशन में ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी जिनको हम इस एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे. तो ऐसे वेक्टर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जिनकी रिप्रेजेंटेशन होगी उनको हम क्या कहेंगे? एक्सियल वेक्टर्स. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक टर्म, एंगुलर वेलोसिटी. क्या? एंगुलर वेलोसिटी, उसकी रिप्रेजेंटेशन इस सिंबल से करते हैं, इसको कहते हैं ओमेगा. तो वो कैसा वेक्टर है? एक्सेल वेक्टर. तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको दी है. मेन जो हमारे पॉइंट्स थे, मेन जो हमारे पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हैं, यूनिट वेक्टर, बेस वेक्टर और इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर्स. अब इसको हम एक और तरीके से वेक्टर्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. सपोज़ हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. तो अब उसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमारा प्राइम कंसर्न है, जिसके ऊपर हमको फोकस करना है, क्योंकि सभी प्रॉब्लम्स के अंदर तो बेसिकली हमको उसका मैथमेटिक्स लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन तो है ही. तो जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, उसको हम कैसे लिखेंगे वो है. तो हमने दो तरह की रिप्रेजेंटेशंस पहले देखी हैं, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. नाउ द मैथमेटिकल, मैथमेटिकल फॉर्म में हम उसको कैसे लिखेंगे. तो इस बात को सबसे सिंपल तरीका समझने का, सपोज़ ये एक प्लेन है, एक सिंपल सिचुएशन लेते हैं, दिस इज एक्स वाई. अब इस प्लेन में मैं पॉइंट ओ, ये ओरिजिन है, मैं पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक गया, मैं पॉइंट ओ से पी तक गया. अब मुझे पता है कि इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वन एंड वाई वन. अब आप ध्यान से देखिए इस एक्स वन एंड वाई वन का क्या मतलब है. मैथमेटिक्स से आपको ये बात पता है कि जो एक्स वन है वो ये है और वाई वन क्या है? वाई वन ये है.
तो जब मैं पॉइंट ओ से पी की तरफ गया हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कुछ डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग भी की है, मैंने कुछ डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अलोंग भी की है, और मैं किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, पी पॉइंट की पोजीशन को, किसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इस चीज़ का नाम हमने रख दिया पोजीशन वेक्टर, क्या नाम रख दिया, पोजीशन वेक्टर, क्लियर, क्या नाम रखा हमने, पोजीशन वेक्टर। अब इस पोजीशन वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे, तो आप देखें ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0, तो मेरे को क्या चाहिए, OP की लेंथ प्लस OP की डायरेक्शन, तो मैंने x एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया, कितना डिस्प्लेस किया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग, मैंने y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस किया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन y एक्सिस के अलोंग, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ R से। इन जनरल हम हर बार इसी तरह से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या शो कर रहा है, पोजीशन वेक्टर, या आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, X1 I कैप प्लस Y1 J कैप, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर वेक्टर के अंदर अब दो हिस्से होंगे, क्या होंगे, दो हिस्से होंगे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब ये वेक्टर है R, दिस इज X1 I कैप Y1 J कैप, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैंने बताया है कि इस वेक्टर का मॉडुलस दिस इज R, और इसको लिखने का क्या तरीका है, इट इज X1 स्क्वायर, जो X कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर, या आप कहें कि आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, तो ये आपको क्या मिल गया, यहाँ से डायरेक्शन मिल गई, क्या सॉरी मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन लिखनी हो तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, आर कैप इट इज इक्वल टू आर दैट इज द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स वन आई कैप वाई वन J cap and divided by its magnitude that is x1 square plus y1 square it is equal to r cap is x1 I cap plus y1 J cap under root x1 square plus y1 square। हम इसको एक example से समझते हैं, suppose हमारे पास ये situation है 3 I cap plus 4 J cap, अब मैं आपसे पूछूं कि इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, सो यू विल गेट 9 प्लस 16 25, और उसका अंडर रूट लेंगे तो 5 यूनिट्स, और अगर मैं कहूं कि इसकी डायरेक्शन निकालिए, सो डायरेक्शन क्या होगी, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय 5, और यू कैन राइट 3 बाय 5 आई कैप प्लस 4 बाय 5 जे कैप, तो ये डायरेक्शन आ गई। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड, और ये हमने उसकी क्या निकाल दी, डायरेक्शन, तो हर वेक्टर के अंदर कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ डायरेक्शन होगी। ये रिप्रेजेंटेशन मैंने प्लेन में किया है, अगर ये थ्री डायमेंशनल में हो तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, x1 i कैप y1 j कैप एंड सिमिलरली z1 k कैप। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट, मान लीजिए थ्री डायमेंशन ही ले लेते हैं, दिस इज x
एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, एक पॉइंट लेट दिस इज आर वन, दैट इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ दिस पॉइंट वन, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इज एक्स वन, वाई वन, जेड वन, एंड लेट वी हैव अनदर पॉइंट टू, इट्स पोजिशन वैक्टर इज आर टू, लेट दिस इज क्यू पॉइंट क्यू, एक्स टू, वाई टू एंड जेड टू, सो दिस इज पॉइंट. नाउ इफ यू मूव फ्रॉम पॉइंट पी, इफ यू मूव फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, पी टू क्यू, सो दिस पी क्यू, दिस पी क्यू इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, दिस पी क्यू इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज अ वैक्टर फ्रॉम पी टू क्यू. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपल फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट आई कैप, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट जे कैप, प्लस फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट के कैप. तो ये आपके पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सेम इसी प्रोसीजर से आपके पास क्या आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर का अंडर रूट. तो ये बेसिक प्रोसीजर है जिसको यूज़ करके हम वेक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे, और जो वेक्टर्स की आलमोस्ट सभी रिप्रेजेंटेशंस हैं वो इन्हीं वेक्टर्स, इन्हीं रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर बेस्ड होंगी, या इन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर आलमोस्ट बेस्ड होंगी. अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं, सपोज़ ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के आपने ऊपर फोर्स यहाँ लगा दी, या मैं इसी वेक्टर को इसी डायरेक्शन के पैरेलल इधर भी और इधर भी अगर मैं इसको यहाँ लगा देता तो इस बॉक्स पे इसका इफ़ेक्ट वही होता चाहे मैं यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ. तो कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और उनका जो इफ़ेक्ट है वो चेंज नहीं होता, ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं फ्री वेक्टर्स. कई बार आपको इन टर्म्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और कई बार हम ऐसा करेंगे भी, तो ऐसे जो वेक्टर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर्स. पर कई ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम जो वेक्टर्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि उनका इफ़ेक्ट बदल जाएगा उनकी सिचुएशन को चेंज करने से, तो वो हम तभी देखेंगे. पर फ़िलहाल आप ये देखिए कि इस तरह की टर्म भी आपको फेस करनी पड़ेगी. अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं जो हमने पढ़ा है, और कुछ और समझने की कोशिश करते हैं. सपोज़ मैं एक वेक्टर लिखना चाहता हूँ, ठीक, जिसका जो हेड है, जिसका जो हेड है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3, 2, और उसकी जो टेल है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2, 1, ठीक. और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका हेड ये है, टेल ये है, तो क्लियर है, हेड ये और टेल ये. तो मैं क्या करूँगा, हेड का कोऑर्डिनेट माइनस टेल का कोऑर्डिनेट, इट इज़ आई कैप, हेड का कोऑर्डिनेट, टेल का कोऑर्डिनेट, हेड का कोऑर्डिनेट, टेल का कोऑर्डिनेट. फाइनली आपको क्या मिलेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. तो हमारे पास एक वेक्टर तैयार हो गया. एक और एग्जांपल इस बात को समझने के लिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन है. या मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक वेक्टर है सपोज ए, और मैंने कहा कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो इससे आप क्या समझेंगे कि अगर मैं इस वेक्टर का मॉडुलस ले लूं तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, 1. तो इस बात को समझिए, सपोज
मैंने आपको वेक्टर कहा, हमारे पास वेक्टर है ए ए आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस 0.6 के कैप, और मैंने यही कंडीशन कह दी आपको कि जो ए है वो यूनिट वेक्टर है, ए जो है वो यूनिट वेक्टर है, पर जब ए यूनिट वेक्टर है तो कब होगा मेरे को ये बताइए कि उस समय अगर ए यूनिट वेक्टर है तो इस स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी, इस स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी। तो इट्स सिंपल, हमने यहाँ देख लिया है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वन, और किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, आई का जो कोफिशेंट है उसका स्क्वायर, जे कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर, के कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर, सो इट इज़ 0.64, इट इज़ 0.36, तो इन दोनों का सम करेंगे सॉल्व करके, तो आपके पास क्या आएगा, वन, और यहाँ क्या है, वन, तो फाइनली आपको मिलेगा ए इक्वल टू ज़ीरो। अगर ए को ज़ीरो लिखें या ए, अगर ये पूरा यूनिट वेक्टर है तो वो तभी पॉसिबल है जब ए की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। एक और चीज़ हम समझते हैं वेक्टर्स के लिए जो जिसको हमको बाद में भी यूज़ करना है। सपोज़ मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, और इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 4.5 यूनिट्स, कुछ भी हो सकता है, अब ये डिपेंड करता है कि वेक्टर क्या है। सपोज़ अगर ये फोर्स वेक्टर होता तो मैं लिखता 4.5 न्यूटन्स। तो सपोज़ ये कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट्स है। मैंने आपसे कहा कि मुझे एक वेक्टर चाहिए, आई नीड अ वेक्टर, और आई वांट टू नो अबाउट अ वेक्टर विच इज़ लाइक 3a। अब 3a से मेरा मतलब क्या है कि मैंने एक स्केलर क्वांटिटी को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को 3 times कर दिया, और क्योंकि मैंने एक पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है, क्या किया मैंने, एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब क्या इसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो ऑलरेडी डायरेक्शन ए की थी। तो डायरेक्शन एज ऑफ ए, तो डायरेक्शन वही है, तो 3 times दिस, तो मैग्नीट्यूड तो उतना बढ़ गया बट डायरेक्शन वही की वही रहेगी, वही की वही रहेगी का मतलब क्या है। सपोज मैंने आपको कहा कि मुझे ये बताइए इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब क्या है कि मैंने -4 को, मतलब अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड तो मेरे पास आ गया 18, अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि जो ये नया वेक्टर बना है -4 को ए के साथ मल्टीप्लाई करके, सपोज इस वेक्टर का नाम मैं रख देता हूँ बी, तो ये जो वेक्टर बी है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर से 4 times ज़्यादा है, बट इसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन से अपोजिट है। तो ये भी अब आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बताया है कि अगर किसी वेक्टर को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग वेक्टर बाय अ स्केलर, तो ये वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स बढ़ जाएगा, और उसकी डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगी कि उस स्केलर का साइन क्या है। अगर सेम पॉजिटिव साइन है ठीक, तो क्या होगा, डायरेक्शन वही की वही रहेगी, अगर नेगेटिव साइन होगा तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, मतलब पहले वाले से एंटी पैरेलल हो जाएगी। तो ये मैंने आपको जो बताया है ये बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वेक्टर्स की, और इन्हीं चीज़ों को हम दिमाग में रख के आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर एलजेब्रा के बारे में, कि जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके अंदर एक मैग्नीट्यूड है,
डायरेक्शनल सेंस है और वो कुछ रूल्स को फॉलो कर रही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वो रूल्स कौन से हैं और उन रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे।